नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मसौढ़ी की। 2 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ होगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से परीक्षार्थियों पर निगरानी रखी जाएगी। मसौढ़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने हमारे संवाददाता अजय को बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए मसौढ़ी अनुमंडल में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से परीक्षार्थियों पर निगरानी रखी जाएगी। मसौढ़ी में कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितने छात्राएं यहाँ एग्जाम देंगी? कल 1 फरवरी से जो है इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है स्टार्ट होना है, और इसमें पूरे अनुमंडल में 5 सेंटर बनाया गया है। सभी में सब जो है छात्रा का यहाँ रखा गया है। मसौढ़ी में 3 केंद्र है और पुनपुन में 2 केंद्र हैं, और यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई है। सेंटर पर जो है मजिस्ट्रेट फोर्स का जो है डेपुटेशन कर दिया गया है, साथ वहाँ वीडियो कैमरा भी रहेगा और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है, ताकि किसी तरह का जो है कदाचार का जो है शिकायत जो है ना आए। और आज भी सभी से केंद्र अधीक्षक और मजिस्ट्रेट का बैठक बुलाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाएगा कि स्वच्छ और जो है शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा हम लोग करवा सकें। परीक्षा हॉल में जो परीक्षार्थी बैठेंगे उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिया गया है? परीक्षार्थी को जो बोर्ड से जो निर्देश आया है, उसमें एक बेंच पे मैक्सिमम 2 परीक्षार्थी बैठेंगे, और सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी मास्क पहनेंगे, और साथ में सेंटर पर जो है प्रवेश केंद्र पर जो है सैनिटाइजर भी रखा जाएगा, और जो है हम लोग जो मुख्य द्वार पर जो है उसका फ्रिस्किंग भी करवाएंगे। महिला है तो महिला फोर्स और जो है महिला जो है सुपरवाइजर शिक्षक के द्वारा जो है उसका जांच करवाया जाएगा प्रीस्किंग में। और साथ ही जो बिच्छक को भी निर्देश दिया गया है कि अपने अपने कमरों में जो है वो भी जो है मुख्य द्वार के अलावा जो है कमरा में भी जो है स्टूडेंट का जो है प्रीस्किंग करके सर्टिफिकेट देंगे केंद्र अधीक्षक को कि उनके द्वारा जो है सभी का जो है प्रीस्किंग कर लिया गया है, और यही सब तैयारी हम लोग पूरा करने के। एक और निर्देश सरकार की आई है कि पिछले बार जो परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनने पर रोक लगा दिया गया था, क्या इस बार ऐसा कुछ गाइडलाइन आया है? नहीं, तो पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि ठंड को देखते हुए जो है सभी परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनने के लिए अलाउ कर दिया गया है। परीक्षा निर्देश है परीक्षा केंद्र के बाहर, परीक्षा केंद्र के बाहर हम लोग शहरी क्षेत्र में 100 मीटर और जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 200 मीटर की परिधि में जो है धारा 144 लगा रहे हैं, और इसको जो है हम लोग दृढ़तापूर्वक पालन करवाएंगे। खबर सासाराम से है, जहां अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सासाराम में लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। खासकर किसान आंदोलन से जुड़े संगठन के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी किया है और MSP पर गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के अलावा विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। समिति जो है ऑल इंडिया जो हमारी बनी हुई है, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वहाँ से कॉल है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था जो MSP का गारंटी करेंगे और बातचीत करके जो है कमिटी से हम हल करेंगे, ये तमाम मुद्दा पर जो विश्वासघात किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके खिलाफ किसान पूरे ऑल इंडिया में पूरे देश में आज के दिन जो है विश्वासघात दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और इसका प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं सासाराम जो है आपको जिला मुख्यालय में, और एक डिमांड हम लोग जिला अधिकारी को सौंपेंगे। ये अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा की ओर से आज जो है हम लोग सासाराम में रोहतास में निकाल रहे हैं।
और अब बात करेंगे नालंदा की। एक तरफ बिहार सरकार स्कूल के गुरुजी को शराब और शराब माफियाओं के मुखबिरी के लिए लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर में ही शराब माफिया स्कूल बंद रहने का फायदा उठा रहे हैं और स्कूल में ही शराब का भंडारण कर रहे हैं। नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा प्रखंड के सरकारी स्कूल में शराब तस्कर शराब का कारोबार कर रहे थे, जहाँ हिलसा पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान कर प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर के परिसर से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया गया। घोड़ा हुआ ढेर है, कितना हो गया? 8 टीम बाढ़ विधायक ने बाढ़ नगर परिषद के लिए खरीदी गई सामानों की कार्यपालक पदाधिकारी से एक सप्ताह के अंदर खरीद का लिखित हिसाब मांगा है, जिसकी जानकारी बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बाढ़ पहुंचते ही दी। विधायक ने कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर एक सप्ताह के अंदर नगर परिषद में हुई सामानों की खरीद का पूरा हिसाब मांगा है। सर, नगर परिषद से एग्जीक्यूटिव अफसर से रिटेल में एक सप्ताह के अंदर में मांगे हैं कि कौन आपके समय में जब से आप आए हैं कितनी सामानों की खरीददारी हुई है, कौन कौन सा सामान है, किस रेट पर खरीदे, पर उसकी प्रक्रिया निविदा प्रक्रिया क्या अपनाए खरीदने के लिए, विकास डेवलपमेंट का कौन कौन से काम का टेंडर किए, उसकी प्रक्रिया क्या अपनाए, उसका रेट क्या है, पूरा डिटेल एक सप्ताह के अंदर में जो हम एक MLA एक बार्ड का सदस्य ये भी होता है, इनवाइटी सदस्य भी होता है, उस हैसियत से हम मांगे हैं कि और ये करके हम देखते हैं कि उसमें कितनी गड़बड़ियाँ, बहुत शिकायत मिली है, लोगों को भी शिकायत मिल रही है, यहाँ गड़बड़ी का शिकायत मिल रहा है, क्या क्या गड़बड़ी हुआ है वो सब हम देखना चाहते हैं। अररिया के पलासी प्रखंड क्षेत्र मदरसा रहमानिया दिघाली के सचिव अध्यक्ष और हेड मौलवी पर गलत तरीके से शिक्षकों का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। इस क्रम में ग्रामीणों ने SDM संचालन और शिक्षक नियोजन में भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मदरसा रहमानिया दिघली में आयोजित हंगामेदार बैठक की अध्यक्षता हाजी यासीन ने की। जो ही परिवार से है वो सारे लोगों पे जांच कर करके ये परिवार बात खत्म किया जाए, कार्रवाई वो DO ऑफिस में रहते हैं, DO ऑफिस से अपना जो भी होता है वो दलाली हो बेईमानी हो सारा चीज करता मदरसा लाइन का, वो सारे चीज वो लोग मतलब ठेकेदारी ले चुके हैं अररिया में लगता है, ठेकेदारी ले करके वो लोग सारे चीज हैंडल करवाते हैं। ये मदरसा जर्जर बना हुआ है, हमको जहाँ तक अभी मेरे पास एक लेटर है, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, BO ने इस लेटर को जाँच लिखा था, BO ने जाँच लिखा था, बैंक को कहा था स्टेटमेंट दो, और इलाहाबाद बैंक जो कि हमने स्टेटमेंट नहीं दिया BO को, इन लोगों कितनी पकड़ है मदरसा बोर्ड में कि वो जो है कि लेटर को भी मान रहा, BO का लिखित लेटर है उसको नहीं मान रहा है, क्योंकि इन्होंने पूरी एक साम्राज्य बना चुका है मदरसा में, स्थापित कर चुका है, जो DO जैसा है, DO और BO है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसको भी ये लोग कुछ नहीं गनानते हैं, नहीं तो यकीन मैं तो ये लेटर आप देख लो मेरे हाथों में है, BO का सिग्नेचर है कि नहीं है, उसको स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा, और मदरसा में कम से कम गबन है तो 20 लाख की गबन है, 20 लाख की गबन है मदरसा में, हमारे मेरे पास कोई रिकॉर्ड है जो कहता है कि 20 लाख से अधिक गबन है इस मदरसे में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ, नमस्कार।